विजय जी, क्योंकि आपके ऊपर ही ज्यादा बातचीत हुई है इसलिए आपको लास्ट वर्ड आपके हुआ, आप जवाब देना चाहे जो राकेश जी ने कहा, यशोवर्धन आजाद साहब ने कहा, जो विनोद जी ने कहा, प्लीज विजय जी। नहीं देखिए, एक तो मैं किसी के लिए जवाब नहीं दे रहा, मैं अपनी बात जरूर रख देता हूँ। हम तो अपनी है ना कि ऑब्सेशन की बात हुई यहाँ पर, मैं पॉइंट वाइज अलग अलग बात करता हूँ, किसी से पर्सनल बात नहीं है और मेरे को किसी का भी जवाब नहीं देना। सरकार को जो करना होगा, बीजेपी को जो करना होगा वो होगा। पहली बात एक और क्लियर कर दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस दिन से ये बात शुरू हुई थी ना, मैं उस दिन से उसके खिलाफ था। अरुण जेटली साहब जब ये ला रहे थे तब से आज तक मैं उसको ठीक नहीं मानता। लेकिन इससे उलट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। ठीक है, पॉइंट्स पर बात करते हैं, मैं फैक्ट पर बात करता हूँ किसी से। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है और करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहा, और सरकार को उसके कटघरे में नहीं रखा। उन्होंने कहा नहीं, मिनिस्टर की जिम्मेदारी है ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात की, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो पैसा है, सुन लीजिए, पांच मिनट, मेरे को दो मिनट दे दीजिए। उसमें जो पैसा आया उसमें 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले, ठीक है, उसमें उसी साल 1,000 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले, 1,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस के एमपी हैं 52, भारतीय जनता पार्टी के एमपी 303, यदि मल्टीप्लाई करें तो 6 times है, कोई बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। और यदि आप मोरल हाई ग्राउंड पर रहना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ कोर्ट में जाएं, तो आप कह सकते हैं कि भाई हम ये पैसा नहीं लेंगे इलेक्टोरल। जो बात मैं अडानी के केस में कहता रहा कि कांग्रेस को मोरल हाई ग्राउंड लेना चाहिए था कि अडानी के खिलाफ चलें तो कांग्रेस की सरकारें अडानी को कोई सौदाबाजी नहीं करें या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे, लेकिन वो नहीं किया। राजस्थान में नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया, फिर वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ, तो उससे वो मोरल हाई ग्राउंड नहीं बना आपका, इसलिए वो उस लड़ाई को आप नहीं लड़ पाए। पहली बात ये समझनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी यही हुआ कि आप 1,000 करोड़ रुपए हजम कर जाएंगे, हजम मतलब आपको भी मिल गए 1,000 करोड़ रुपए, और कुछ और रीजनल पार्टीज को भी मिल गए अलग अलग पैसे, लेकिन किसी ने नहीं मना किया कि भाई हमको ये पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो किस बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? पॉलिटिकल मॉरलिटी को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात ही करना खत्म हो गया बात। मैं बार बार कहता हूं कि जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी उसने इस शब्द को हटा दिया है, तो पॉलिटिकल मॉरलिटी अब किसी के लिए कोई बची नहीं है। ऑब्सेशन की बात हुई, ऑब्सेशन, जीत का ऑब्सेशन। मुझे नहीं पता, सिन्हा साहब और आजाद साहब दोनों क्राइम के, क्रिमिनल लॉज के एक्सपर्ट हैं, ऑब्सेशन अपराध की श्रेणी में आता है, मुझे जानकारी नहीं है। ऑब्सेशन एक बीमारी जरूर है, अपराध तो नहीं है ना, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी अलग चीज होती है, अपराध अलग चीज होता है, ठीक है। और बीमारी, यदि बीमारी है तो उसके साथ सिंपैथी होती है। कुछ बीमारियां होती जिसमें सिंपैथी नहीं होती, कुछ बीमारियां होती जिसमें सिंपैथी नहीं होती है, वो भी उसे अपराध नहीं कह सकते, वो भी उसे अपराध नहीं कह सकते ना। तो मुश्किल यह है। अब फिर जैसे क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग का 2500 उदाहरण विनोद जी को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमेशा होते रहते हैं, क्रॉस वोटिंग होती है। 98 की क्रॉस वोटिंग आप याद कीजिए, महाराष्ट्र में ही हुई थी, आजाद साहब को शायद याद हो कि सोनिया गांधी जी के बहुत करीबी एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे राम प्रधान, वो राज्यसभा का इलेक्शन हार गए थे और वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। अब कौन जीते थे वो सबको पता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो लोग अभी हिमाचल में प्रभारी बने हुए थे ना, वो कैसे क्रॉस वोटिंग से एमपी बने थे, ये भी आपको जानकारी होगी। तो इसलिए इन सब बातों को छोड़ दीजिए कि क्रॉस वोटिंग किसके पास मौका होता है, किसके पास नहीं मौका होता है, और सरकारें और पॉलिटिकल पार्टी हमेशा सरकार गिराने बनाने इन सब का काम करती रहती है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीजें घालमेल हो गई हैं, ठीक है, चुनावों में क्या होता है। और जैसे अभी बात की गई कि सीबीआई के आलोक कुमार का, मैं उस पर कोई सेफ वो नहीं कर रहा साइड, लेकिन हमको भी पता है कि पैरट इन द केज किसकी सरकार के लिए, किसकी सरकार के वक्त में सीबीआई को कहा गया था, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे लॉ मिनिस्टर को जानता हूं जिनसे मेरा, जिनका मुझ पर बहुत स्नेह था, वो अपने ड्रॉइंग रूम में मुझे बैठा कर कहते थे देखो बाहर जज साहब बैठे हैं, उनको मैं जितनी देर चाहूं बैठा के रख सकता हूँ, समझे, ये मेरा निजी अनुभव है, ठीक है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, बटले राजनीति में चलता रहता है और क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी कुल मिलाकर लड़ाई हो रही है परसेप्शन की, और बीजेपी ने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की है कि अपोजिशन, मैं जो रेफरेंस कर रहा था ना भ्रष्टाचार का मामला, वो अपोजिशन पर ये परसेप्शन बना दिया कि ये सब लोग भ्रष्ट है। ये हैरानी की बात है, मैं उस पर बात कर रहा था कि पूरा हमेशा चुनावों के वक्त होता है कि सरकार जो है करप्ट सरकार है, इसलिए इसको बदलना है।
अब यहाँ हो रहा है कि अपोजिशन में जितने लीडर्स हैं वो सब करप्ट है, और फिर उसमें भी ये परसेप्शन की बात है, इसमें बात ही नहीं कर रहा कि कुछ है कि नहीं है, नहीं ये तो लीगल मामला है, परसेप्शन की, केवल पॉलिटिकल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, और उस लड़ाई पर वो चल रहे हैं, और ये बार बार बात करना कि बीजेपी जीतने ही वाली है इसलिए अब उसको कुछ नहीं करना चाहिए, जो हार रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, उस पर सवाल नहीं कर रहे, उसकी चिंता हम नहीं कर रहे, जो जीत रहे हैं वो फिर भी लगे हुए हैं, ये भी कोई अपराध है, ये मुझे नहीं समझ में आया। बाकी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।